पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आज आखिरी दिन है। कुछ ही देर में होटल से निकलेंगे बाबा बागेश्वर तरेतपाली मठ में। आखिरी दिन भक्तों का हुजूम, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं भक्त और कथा सुनेंगे। देखिए आज आखिरी दिन है और भक्तों में बेहद ही उत्साह, और खास बात यह है कि वही उत्साह के साथ भक्त पहुंचे हैं। भारी संख्या में भक्तजन पहुंच चुके हैं तरेतपाली मठ, और आज आपको बता दें कि आखिरी दिन है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि जब से बाबा का दरबार लगा है, हर दिन भक्तजनों में वही उत्साह। तरेतपाली मठ के अलावा बाबा के होटल के बाहर भी आपको बता दें कि भारी इकट्ठा भीड़ हो जाती है। कल रात को भी बाबा ने वहां पर दरबार लगाया था, लोगों को बहुत पाती थी, उस वहां भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बाबा जहां जहां जा रहे हैं एक झलक पाने के लिए लोगों में उत्साह, और आज आपको बता दें कि हनुमान कथा का आखिरी दिन है और इसकी वजह से भारी संख्या में वहाँ लोगों की भीड़। हालांकि लगातार देखिए व्यवस्थाएं कराई जा रही है, भीषण गर्मी है, उसके बावजूद भी बाबा को सुनने लोग पहुँच रहे हैं। तो तमाम जानकारी के साथ पनास होटल के बाहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम भी, और साथ ही बता दें कि तरेतपाली मठ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज कितना उत्साह होगा, आज हनुमंत कथा का आखिरी दिन है। देखिए अंजलि, आज थोड़ी आवाज कम आ रही है, आपकी बात मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि आज अंतिम दिन है और हनुमंत कथा आज ही समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, वो चले जाएंगे। लेकिन आज के दिन ही 200 लोगों को उनको दीक्षा देनी है, यहाँ भंडारा करना है, और इसके अलावा जो भीड़ है, जो भक्त हैं यहाँ पर, उनकी संख्या आज भी काफ़ी बढ़ी हुई है। मंच पर उनकी तैयारी लगभग हो रही है कि बस थोड़ी देर में वो अब यहाँ पहुँचने वाले हैं, पटना से निकल गए हैं, और जब यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद यहाँ आरती के बाद जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज यहाँ भी कुछ लोगों के साथ वो पर्ची निकालेंगे, उनकी अर्जी सुनेंगे, और साथ ही ये भी कोशिश होगी कि कुछ लोगों की दीक्षा यहाँ भी दिलाई जाए। अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि जहां आप मौजूद हैं लोगों की भारी भीड़ है, इसलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वहां उत्साह देखते हुए बन रहा है। जानना ये चाहेंगे प्रशांत जी, किस तरह से तैयारी और कितनी देर में बाबा वहां पहुंचेंगे? देखिए अंजलि, लगभग पटना पनास होटल से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकल चुके हैं, और अभी भी यहाँ जो भीड़ है, एक बार मैं कैमरामैन से कहता हूँ कि वो आपको दिखा दें कि भीड़ के हालात क्या हैं। मैं उनको कह रहा हूँ कि ये कैमरामैन शहनवाज हैं, ये कह रहा हूँ कि पूरा भीड़ दिखाइए एक बार, कि पूरी भीड़ की जो स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। भयानक गर्मी है यहाँ पर, सफोकेशन है, और ह्यूमिडिटी बहुत ही हाई है यहाँ पर, बावजूद लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हर के हाथ में आप देखिएगा कि यहाँ पंखा है, और हर आदमी थोड़ी ठंडा लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जो मंच के तैयारियाँ हैं, आपको दिखा रहा हूँ कि मंच पर जहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठते हैं और जहाँ बालाजी की प्रतिमा लगाई जाती है, उन सब जगहों के तैयार किया जा रहा है। और पटना पनास होटल से वो निकल चुके हैं, और यहाँ तक आने में 25 से 30 मिनट का समय लगता है। उसके बाद जब यहाँ आएंगे तो फिर कथा वाचन का काम आज शुरू हो जाएगा। जी प्रशांत जी, अभी 25 मिनट लगेगा, और हमारे साथ शिवम भी लाइव जुड़ चुके हैं जो कि पनास होटल के बाहर ही थे। शिवम, क्या बाबा का काफिला वहां से निकल चुका है? जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि अभी बाबा होटल से नीचे नहीं उतरे हैं, और काफ़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो सुबह से ही बाबा का एक झलक पाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहां पर जो श्रद्धालु और समर्थक हैं वो सुबह से ही पहुंचे हैं, और कुछ ही देर के बाद बाबा होटल से नीचे उतरेंगे, और बाबा का जो काफिला है वो यहाँ से सीधे तरेतपाली मठ के लिए जाएगा। आपको बता दें कि बाबा का आज आखिरी दिन है बिहार में, और हनुमंत कथा का भी आज आखिरी दिन है, और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बाबा नौबतपुर से डायरेक्ट ही पटना एयरपोर्ट जाएंगे और वो वहां से फिर रवाना भी हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, और यहां भी वक्त लग जाएगा निकलने के लिए। क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कितना और वक्त लगेगा? क्योंकि देखिए
गर्मी बहुत ज्यादा है राजधानी पटना में, उसके बावजूद भी समर्थकों की भीड़ लगी हुई है शिवम वहां पर। और तरेत पाली मठ की भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, वहां भी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि कड़ी धूप है, कड़ी धूप के बावजूद भी हजारों हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो होटल के बाहर सुबह 7 बजे से ही बाबा का एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि बाबा में हमारी आस्था है, अगर बाबा का हमें एक झलक भी मिल जाता है तो वो बहुत ही है। और आपको हम कैमरा दूसरे तरफ भी करके दिखवाएंगे कि आप देख सकती हैं कि होटल के बाहर बैरिगेटिंग भी की गई है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उसके बावजूद भी जो समर्थक हैं और जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। कड़ी धूप है उसके बावजूद भी काफी संख्या में आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि महिलाएं भी यहां पे खड़ी हैं और बाबा का इंतजार कर रही हैं। और बाबा कुछ देर के बाद ही होटल से बाहर निकलेंगे और यहां से सीधे वो तरेत पाली मठ के लिए रवाना होंगे। जी देखिए वहां पर देखिए जयकारे भी लगेंगे और आप देख सकते हैं भीषण गर्मी है। अगर कुछ लोगों की रिएक्शन ले पा रहे हैं शिवम तो आप लेने की कोशिश करें, क्योंकि बाबा के एक झलक पाने के लिए आप देख रहे हैं सुबह से ही लंबी कतार लगी है होटल के बाहर। जी 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 जी, मैं कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि काफी संख्या में जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर खड़े हैं और काफी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर खड़ी हैं। तो कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका। प्रियंका कहाँ से आई हैं? कंकड़बाग पटना से। बाबा से मुलाकात करने? हाँ, मुलाकात करने आए हैं। पर बाबा तो अभी निकले नहीं है। मैं ऑफिस में हूँ, उनसे मिलने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेके आई हूँ। ऑफिस से छुट्टी लेके आप आई हैं? जी। तो आप अंजलि देख सकती हैं तस्वीरों में कि कड़ी धूप के बावजूद भी काफी संख्या में जो लोग हैं वो बाबा का एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लोग जो हैं वो बैरिकेटिंग के ऊपर भी खड़े हैं। दूसरे तरफ की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आप दूसरे तरफ की तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में जो गाड़ियां लगी हुई हैं उस पर भी जो लोग हैं वो भी खड़े हैं। और बाबा जो है कुछ ही देर के बाद होटल से नीचे उतरेंगे और यहाँ से बाबा का जो काफिला है वो सीधे ही नौबतपुर तरेत पाली मठ के लिए रवाना होगा। जी तो आपको बता दें कि अभी बाबा होटल से निकले नहीं हैं, होटल से निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए होटल के बाहर भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी है और आप देख सकते हैं कि गर्मी है इतनी लेकिन किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वहीं हमारे साथ प्रशांत जी भी लाइव जुड़े हुए हैं तरेत पाली मठ से। प्रशांत जी देखिए, बिहार में जो बाबा को प्यार मिला है वो वाकई अपने आप में एक आश्चर्य भी हो रहा है। और बाबा भी कह रहे हैं कि मुझे इतना प्यार मिला है और मैं यहीं से हिंदू राष्ट्र की भी उन्होंने राग अलापा है। बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता ने जो प्यार दिखाया उसे लेकर बाबा भी बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह तय हुआ था कि वो पटना के यहाँ मठ पर आएंगे, उसी दिन से ही यहाँ पर सियासत शुरू हो गई थी। और इसी सियासत के कारण यहाँ लोगों में ये उत्कंठा होने लगी कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या बताते हैं, लोगों को क्या सुनाते हैं, तो ये जानने की भी इच्छा थी। दूसरी बात, एक बात और बता दूं आपको अंजलि जी, तो देखिए प्रशांत जी के पास पहुंचेंगे क्योंकि सबसे बड़ी वो लगातार वहां तक जाती है। जी अंजलि, आप कुछ कह रही थी? जी प्रशांत जी, आप अपनी बात रखिए क्योंकि वाकई बड़ी बात कही आपने, क्योंकि चर्चा पहले इतना हो रहा था और इसी वजह से लोग आकर्षित हो गए कि बाबा ऐसा क्या कहते हैं जिसे लेकर इतनी सियासत होने लग गई। बिल्कुल, लोग ये जानना चाहते थे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम बाबा के सरकार के नाम से जाने जाते हैं, उनके पास क्या करिश्मा है, क्या चमत्कार है उनके पास, वो कैसे लोगों को ठीक कर देते हैं। और ये जानने और समझने के लिए भी सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के साथ सटा हुआ बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और दूसरी तरफ आप कहें तो मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़ के लोग के साथ साथ दिल्ली और राजस्थान और इसके अलावा केरल कर्नाटका से भी लोग यहाँ आए हुए हैं। और जो बाबा का पूरा एक आकर्षण है, जो उनके प्रति श्रद्धा है लोगों की, उस श्रद्धा के कारण ये तमाम लोग चलते हैं। जहाँ भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाते हैं उनके साथ ये लोग जाते हैं। लेकिन बिहार के इस
तो जो मठ है यहाँ पर नौबतपुर में, इस मठ की सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत पुराना मठ रहा है यहाँ पर, और ये इस मठ की अपनी एक यहाँ पर गरिमा रही है और इसके एक पूजनीयता रही है, और उसकी वजह से